नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद रंग। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। आज है 29 सितंबर, 29 सितंबर और टाइम हो रहा दिन का 6:30 बज रहा है, मार्केट ऑफ है। तो एक शेयर और आया आज के डेट पे, मेरे को लगता है कि इसके अंदर एक मूव आया, तो मेरे को लगता है इसमें जो लेवल देता हूँ शायद आने वाले 20 से 25 दिन में वो लेवल हिट होंगे। तो समझते हैं क्या है कंपनी का ओवरव्यू, समझते हैं। उससे पहले अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जो बजाना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। तो कंपनी का नाम है ग्लैनेट मेटल लिमिटेड। कंपनी की वेबसाइट है, ठीक है, ग्लैनेट की मैं वेबसाइट पर आ चुका हूँ। कंपनी का काम किस चीज़ के अंदर, कंपनी का सेक्टर कौन सी कंपनी की है, कंपनी है मेटल एंड आयरन की, ठीक है। आपने देखा होगा कोविड के बाद से ही मेटल और आयरन की जो डिमांड जिस तरह से बढ़ रही है इंटरनेशनल लेवल पर, और उसकी सेल जिस तरह से हुई है, ठीक है, क्योंकि अब कोविड के बाद से कंस्ट्रक्शन साइडें खुली एकदम से, तो आयरन और मेटल के जो डिमांड एकदम से तेज़ी से बढ़ी है इंटरनेशनल लेवल पे भी और डोमेस्टिक लेवल पे भी। तो उससे चलते हुए कंपनी के रेवेन्यू अच्छे जनरेट होंगे, तो सेल अच्छी होगी तो रेवेन्यू अच्छा रेवेन्यू अच्छा होगा तो प्रॉफिट भी अच्छा होगा। तो ये कंपनी की वेबसाइट है, ठीक है। तो आप ये समझिए कंपनी की वेबसाइट के ये अदानी, ये इनके क्या है, क्लाइंट्स है। देखिए इन आवर टॉप कस्टमर, ये देखिए इनके टॉप कस्टमर है ये, ठीक है। इनका तो आपने कहीं ना कहीं नाम भी सुना होगा, रिलायंस, अदानी, L&T, विराज, टाटा, तो ये इनके क्लाइंट हैं। तो ये कंपनी की वेबसाइट है, कंपनी की वेबसाइट पर जाकर आप बाकी चीज़ें सर्च आउट कर सकते हैं, कंपनी का क्या वर्किंग है, कंपनी की टीम क्या है, ठीक है। आप समझते हैं कि आज का क्या रहा है, इतनी तेज़ी से क्या रही है। देखिए मैंने गूगल पे ग्लैनेट मेटल लिमिटेड को ओपन कर लिया है, ये 77 में क्लोज हुआ है, ठीक है। 4% की तेज़ी के साथ आज की डेट में बंद हुआ है। आज का ओवरव्यू समझते हैं, तो आज ये ओपन होता है 77 पे, जितने पोपन है जितने उसी पे क्लोज हुआ, मगर 81.5% का इनने हाई मारा है, 74 इसका लो था, इसका 52 हाई है, 88 52 लो है, 30 रुपये 35 पैसे का, ठीक है। तो ये इसका 52 लो है, और ये देखिए एक एवरेज के अंदर ट्रेड कर रहा है, यानी 40 रुपये का मार्जिन के बीच में ही ट्रेड कर रहा था, 52 हाई और लो के बीच में, ठीक है। तो ये तो ओवरव्यू है आज का शेयर का कि आज क्या रहा है, इसका किस वजह से इसमें तेजी है, किस वजह से 4.5% की तेजी के साथ ये बंद हुआ है, समझते हैं क्या वजह थी ये। तो पहले उससे पहले समझते हैं कि NSE के साइड पे इसका क्या ट्रेड रहा है, कितना समझते हैं। तो आज इसके अंदर देखिए डिलीवरी वाइज जो क्वांटिटी उठाई गई है वो 28% की डिलीवरी उठाई गई है, यानी कि 25% से ऊपर की डिलीवरी उठाने का मतलब अच्छी डिलीवरी उठाया जाता है, ठीक है। तो अच्छी डिलीवरी मानी जाती है शेयर के अंदर अच्छी, यानी कि लोगों का ट्रस्ट है, 28% डिलीवरी उठाई गई है आज के डेट में। तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है कि किसी भी शेयर के अंदर आपके 25% से ऊपर डिलीवरी उठाई जाती है, वो अच्छा मूव माना जाता है, यानी कि लोगों का विश्वास है इसके अंदर, इसलिए इन्वेस्ट करके बैठे हुए लोगों का आज भी, ठीक है। आज इसमें फ्रेश जो डिलीवरी उठाई गई है वो उठाई गई है 28% की। अब समझते हैं इसके क्या वजह थी, ये देखिए कल इन्होंने एक्सचेंज पे एक न्यूज़ डाली थी इन्होंने BSE पे, तो इन्होंने देखिए आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग, यानी कि कब हुई थी ये, 28/9/2021 को हुई थी मीटिंग, अनाउंस कमेंटमेंट क्या हुई थी, 1:30 बजे हुई थी और 2 बजे तक चली थी, ठीक है। तो उसमें क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या लिया इसके अंदर डिसीज़न, तो वो डिसीज़न था इन्हों की 106 एकड़ की ज़मीन है कोपाल इन स्टेट ऑफ कर्नाटका, इन्हों की ज़मीन है 106 एकड़ की इन स्टेट कोपाल इन स्टेट ऑफ कर्नाटका, तो उसको सेल करने के लिए इन्होंने अप्रूवल दे दी, 106 एकड़ की ज़मीन को इनको सेल करना है, उसकी अप्रूवल आ गई। अब समझते हैं क्या वैल्यूएशन होगी इस ज़मीन की, वो अब आने वाले टाइम पे कंपनी अपने आप पे BSE पे अपडेट कर देगी। तो इस न्यूज़ के चलते ही शेयर करना मूवमेंट आया था। अब मैं कंपनी का ओवरव्यू समझा दूँ आपको, वीडियो थोड़ा लंबा जाने वाला, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूले, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो। तो अब कंपनी का ओवरव्यू समझते हैं। ग्लैनेट मेटल लिमिटेड का मार्केट कैप है 602 करोड़ रुपये का, स्टॉक PE चल रहा है 5.ROC भी अच्छा है इसका, बुक वैल्यू अच्छी है काफ़ी, यानी बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहा है इस टाइम पे, फेस वैल्यू उसकी 10 रुपये अभी, तो कंपनी बहुत ज़बरदस्त है 10 रुपये। अभी देखिए कंपनी का प्लस पॉइंट क्या है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.82 times ऑफ बुक वैल्यू, क्वार्टर रिजल्ट अच्छा दे रही है कंपनी। अभी हमें क्वार्टर बाई क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं हम लोग। दिसंबर के अंदर उन्होंने सेल करी थी 2020 के अंदर 41 का प्रॉफिट जनरेट किया था, 41 करोड़ का, वहीं दिसंबर 9 के अंदर ही देखिए
19 के अंदर इन्हों का 7 था, यानी क्वार्टर बाय रिजल्ट अच्छा होता, इम्प्रूव होता गया। वहीं देखिए 14 करोड़ था प्रॉफिट 2020 के अंदर, दिसंबर के अंदर 41 था, वहीं मार्च के अंदर 51 था, जून के अंदर थोड़ा सा क्वार्टर डाउन, क्वार्टर बाय क्वार्टर रिजल्ट डाउन हुआ, बट उस कोई बड़ी बात नहीं है, उसका प्रॉफिट मेकिंग है, थोड़ा सा अप डाउन चला, बाकी ईयर ईयर वाइज भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा था। जून 2020 के अंदर 5 करोड़ था, वहीं जून 2021 के अंदर क्वार्टर क्वार्टर कंपेरिजन करेंगे तो भी अच्छा था, यानी कि 90% प्रॉफिट था, 90% अब दिखाया था क्वार्टर ईयर ईयर वाइज चेक करेंगे तो हम लोग, तो इसका EPS भी ग्रो में चल रहा है, ठीक है। कंपनी यानी कि पिछले कंपनी सितंबर 2020 से लेके कंपनी काफ़ी अच्छा, यानी कि क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट अच्छे दे रही है, दिसंबर के बाद से कंपनी रिजल्ट अच्छा आना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, इसलिए कंपनी का शेयर तेज़ी से भाग भी रहा है। अब देखिए ईयर ईयर वाइज भी देखेंगे तो आप देखिए मार्च 2020 के अंदर इन्होंने 32, यानी कोविड के चलते इन्होंने 32 करोड़ का प्रॉफिट रन किया था, बाकी मार्च 2011 के अंदर 2021 के अंदर इन्होंने 111 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, ठीक है। इनका EPS भी सही है इस टाइम पे, अर्निंग पर शेयर भी अच्छा चल रहा है इस टाइम पे, तो ये सब चीज़ें देखने वाली होती हैं। तो बाकी लाइबिलिटी तो हर कंपनी के साथ होता है, ये तो कंपनी का ओवरव्यू हो गया, ये ईयर वाइज भी कंपनी प्रॉफिट अच्छा दे रही है, मेरे को लगता है कि 2022 का जब भी रिजल्ट आएगा मार्च 2022 का, उसमें कंपनी प्रॉफिट मेकिंग रहेगी, और मुझे लगता है कि उसके अंदर जो रिजल्ट आएगा तो उससे काफ़ी अच्छे, यानी कि इनका रेवेन्यू अच्छा, सेल इनकी सेल अच्छी होगी तो रेवेन्यू इनका अच्छा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेल देखिए 2020 के अंदर इनकी सेल 865 थी, वहीं 2021 के अंदर इनकी सेल 1007 थी, तो ये सेल का भी इम्पैक्ट आएगा 2022 के अंदर, ये अभी तक अप्रोक्स मान के चल रहे हैं कि 1200 के आसपास की सेल मान के चल रहे हैं, तो हो सकता है कि मेरे को लगता है कि 1200 के आसपास ही सेल हो सकती है 2022 मार्च को जब रिजल्ट आएगा ईयर ईयर वाई का, तो भी उसमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो कंपनी शेयर तेज़ी के साथ भागेगा। आप समझते हैं इसका चार्ट के अकॉर्डिंग, तो इसका मैंने डेली चार्ट ओपन कर रखा है, तो ये डेली चार्ट पे देखिए जो आज ये मूव बना है, तो सबसे पहले मैं इसमें आपको स्टॉप लॉस बताऊंगा, 68 के स्टॉप लॉस आप बाय करिए इसको, ठीक है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे एक बुलिश कैंडल ट्रेड हुई थी, फिर इसके बाद से आज इसने जो हैवी वॉल्यूम के साथ, क्योंकि देखिए जितने पर ओपन हुआ, क्योंकि इसमें कैंडल नहीं बनी है, बट इस कैंडल को पैराशूट कैंडल बोलते हैं, क्योंकि इसमें शूट होने को तैयार है, यानी कि शूटिंग पैराशूट कैंडल मतलब भागने को तैयार बैठी हुई है, तो हैवी वॉल्यूम हुआ है, देखिए वॉल्यूम के साथ है, इसका RSI भी अप ट्रेंड की तरफ आ चुका है, MACD के ऊपर अप ट्रेंड है, ठीक है, ADX भी डाउन ट्रेंड है, बाकी देखिए VWAP भी इसका अप ट्रेंड की तरफ हो चुका है, मेरे इंडिकेशन के हिसाब से इसमें अभी अप मूव आ चुकी है, इसके अंदर जो भी प्रॉफिट जो भी इसमें देखिए गिरावट थी लास्ट टू डेज से, लास्ट कल से इसमें अप ट्रेंड आ चुका है, तो न्यूज़ को चलते ही इसमें कल से अप ट्रेंड आया, तो मुझे लगता है कि अब इसके अंदर अप ट्रेंड आ गया है, तो मुझे लगता है कि इसके चार्ट के अकॉर्डिंग जो दिख रहा है इसके अंदर, तो मेरे को जो पहला टारगेट समझ आ रहा है, जो इसके अंदर पहला टारगेट समझ आ रहा है, तो क्योंकि देखिए इसके अंदर इस कैंडल को सपोर्ट लेगा, तो इस कैंडल पर सपोर्ट लेगा, तो इस कैंडल के अकॉर्डिंग मैं जो पहला टारगेट दे रहा हूँ, वो पहला टारगेट है मेरा 85 रुपीज़ का, क्योंकि 85 पे कैंडल क्लोज़ हो रही है, ये देखिए पहला टारगेट मेरा 85 का, जैसे इस कैंडल क्रॉस करेगा 85 को, क्योंकि इसमें भी हैवी वॉल्यूम है, तो पहला टारगेट खत्म होने के बाद मेरा 85 है, दूसरा टारगेट मेरा 90 रुपये का, ये तो टारगेट आपको 15 से 20 दिन में मिल जाएंगे, बाकी एक महीने से आसपास चलेगा, तो ये मेरे को 100 रुपये तक इसमें लेवल दिख रहा है, तो आप इसमें 68 के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय करिए, ठीक है, 68 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करिए, और आप इसमें पहला टारगेट 85, दूसरा टारगेट 90 रुपये का, तीसरा टारगेट 100 रुपये का, इन तीन टारगेट के बने रहिए, आने वाले एक से डेढ़ महीने में तीनों टारगेट जरूर हिट होंगे, क्योंकि 15 से 20 दिन के अंदर दो टारगेट हिट होंगे, तीसरा टारगेट में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होगी शेयर के अंदर, ठीक है, तो प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी है, तो क्योंकि करेक्शन होना बहुत जरूरी है शेयर के अंदर, क्योंकि एकदम से भागता रहा वो जरूरी नहीं है, ये अपना 52 हाई कल भी तोड़ सकता है, तो पहला टारगेट 85 रुपीज़ का, दूसरा टारगेट 90 रुपये, ये तो 15 से 20 दिन में आ जाएंगे, बाकी तीसरा टारगेट 100 रुपये का है, वो एक से डेढ़ महीने के अंदर आएगा, यानी कि एक से डेढ़ महीने के अंदर तीनों टारगेट अचीव हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।